नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश जालौन के उरई से है, जहां पर नगर में चलाया जा रही शराब की दुकान और मॉडल शॉप का जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों व आबकारी विभाग ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर मौके पर मिली गंदगी और ओवर रेडिंग के चलते शराब दुकान के संचालक और मॉडल शॉप के संचालक को करारी फटकार लगाई। आइए आपको दिखाते हैं ब्रजेश कुमार बादल की यह खास रिपोर्ट। नगर में संचालित शराब की दुकानों तथा मॉडल शॉप का जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा आबकारी विभाग ने निरीक्षण किया, जिसमें ओवर रेटिंग, गंदगी मिलने पर तथा स्टॉक न मिलने पर फटकार लगाई गई तथा मानक पूरे न होने पर इसकी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए आगे भेजी जा रही है। शनिवार को जिला अधिकारी डॉक्टर मनान अख्तर के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह तथा आबकारी विभाग ने नगर में कालपी रोड पर संचालित शराब के ठेकों का औचक निरीक्षण किया तथा यहां पर कर्मचारियों से लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर्ड, साफ सफाई देखी। शराब की ओवर रेटिंग, मिलावटी व गैर प्रांत की शराबों के खिलाफ सख्त आदेश दिए गए। अंग्रेजी शराब की दुकान कालपी बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया गया, जहां लोगों ने निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर शराब बिक्री की होने की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर हो रही जांच टीम ने कई बिंदुओं की जांच की। यहीं पर पास में ही संचालित देशी शराब का ठेका का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर स्टॉक रजिस्टर्ड व शराब की गुणवत्ता भी चेक की गई। जांच टीम को तीनों दुकानों में सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब मिली। जांच टीम द्वारा नगर में संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण करने की खबर मिलने पर दुकानों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मनान अख्तर ने बताया कि जांच के दौरान जो खामियां मिली हैं वह रिपोर्ट कार्यवाही के लिए भेजी जा रही है और अगर आगे कोई ठेके वाला अधिक रेट या किसी भी प्रकार की मिलावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडियन टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।